आज की इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो घटना है कोलकाता की एक मशहूर मेडिकल कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर रात को 8 अगस्त को रात को 11 बजे से लेकर 9 अगस्त सुबह 4:37 के बीच में ये घटना घटी थी। तो 8 अगस्त की रात को 11 बजे से लेकर 9 अगस्त की सुबह 4:37 के बीच में जो भी घटना हुई थी वो सारा घटनाक्रम मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है 8 अगस्त की। 8 अगस्त की रात को 10 बजे एक महिला डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री करती है। दरअसल वो महिला डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर होती है और वो यहाँ पर सेकंड ईयर पीजी की स्टूडेंट भी होती है। दरअसल उसकी यहाँ पर नाइट ड्यूटी लगी हुई होती है और पिछले काफ़ी दिनों से उसकी नाइट ड्यूटी चल रही होती है। तो रात को 10 बजे वो आती है और सुबह होते होते उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो 8 अगस्त के दिन भी वो रात को 10 बजे आ जाती है। आने के बाद सबसे पहले वो अपना जो राउंड अप है वो स्टार्ट करती है और उसके जितने भी मरीज़ है उसके वो हालचाल पूछना शुरू करती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय बीतता है। समय बीतने के बाद रात को 11 बजे एक शख्स इस अस्पताल के अंदर एंट्री करता है। ये जो आदमी है उसका नाम संजय रॉय होता है। वो इस अस्पताल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही इस अस्पताल का कोई भी कर्मचारी होता है और ना ही तो कोई मरीज़ होता है। लेकिन वो जो है इस अस्पताल के पास में एक पुलिस स्टेशन होता है तो उस पुलिस स्टेशन में वो एज अ सिविल वॉलंटियर काम कर रहा होता है। अब क्योंकि वो पुलिस के साथ काम करता है तो उसकी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा पहचान होती है और वो खुद भी कुछ एक पुलिस वाला है ऐसा है और रोब भी ज़्यादा है। साथ ही ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो एक पुलिस वाला ही है। वो अस्पताल में जब आता है तो क्योंकि उसका रोज़ का अस्पताल में आना जाना होता है तो इस अस्पताल में उसकी काफ़ी जान पहचान हो जाती है। इसके जो कर्मचारी है उसके साथ जान पहचान हो जाती है, कुछ डॉक्टरों के साथ जान पहचान हो जाती है। तो इसी वजह से अब वो क्या करता है कि इस अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं जिन लोगों को यहाँ पर रूम नहीं मिलता है या तो बेड नहीं मिलता है तो उन लोगों को वो रूम और बेड दिलवाता है। उसके बदले में काफ़ी मोटा पैसा भी लेता है। तो यही मान लीजिए उसका एक धंधा हो गया था कि जो भी मरीज़ को रूम या बेड नहीं मिलता है तो उसको दिला देता है, बदले में उससे पैसा ले लेता है। तो ऐसे ही यह इसका जो काम है वो चल रहा था। तो ऐसे ही 8 अगस्त के दिन उसने दो लोगों को इस तरह से रूम दिलवाए थे। तो रात को 11 बजे वो उनमें से किसी एक मरीज़ के पास आता है मिलने के लिए। वो अक्सर इस तरह से आता रहता है, जिसको भी वो रूम दिलाता है उसकी हालचाल पूछने के लिए वो आता रहता था। तो आज भी उसने जिसको रूम दिलवाया था उसकी हालचाल पूछने के लिए वो आता है। तो रात को 11 बजे उसके रूम में जाता है मरीज़ की। जाने के बाद उसका हालचाल पूछता है और पूछता है सब कुछ ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मरीज़ जो है वो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमको तो एक्सरे हमको निकलवाना है लेकिन उसका हमारा यहाँ पर नंबर नहीं लग रहा है। तो ये कहता है ठीक है चलिए मैं आपका एक्सरे निकलवा देता हूँ। तो अपने साथ मरीज को लेकर जाता है और उन लोगों का वो एक्सरे निकलवा देता है। उसके बाद रात को करीब 11:30 बजे वो अस्पताल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर समय बीत रहा होता है। थोड़ी देर के बाद रात को 1 बजे वो फिर से इस अस्पताल में आता है। इस बार वो जो दूसरा वाला मरीज़ था उसको मिलने के लिए आता है और दूसरे वाले मरीज़ के पास वो जाता है और जो दूसरा मरीज होता है उसकी एक सर्जरी होनी होती है लेकिन सर्जरी अभी आज नहीं दूसरे दिन होने वाली होती है। इस वजह से सब लोग वहाँ पर बस तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो जाता है, उसके हालचाल पूछता है और वहाँ पर उसके कुछ रिलेटिव भी आए हुए होते हैं। जो मरीज है उसके रिलेटिव आए हुए होते हैं तो उस रिलेटिव के साथ वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में वो दोनों अस्पताल से नीचे वाले पार्ट में आ जाता है। आने के बाद वहाँ से वो अस्पताल का जो पीछे का भाग होता है वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, एकदम सन्नाटा होता है। वहाँ पर एक बेंच होता है तो वो बेंच पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद ये संजय रॉय और जो मरीज़ का रिलेटिव था दोनों मिलकर वहाँ पर शराब पीना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर वो लोग शराब पीते हैं। अब यहाँ पर रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजने के बाद जो जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी उसका जो राउंड अप था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस अस्पताल के कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में जाने के बाद वो लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। वहाँ पर उसके साथ 4 और दोस्त थे जो कि जूनियर डॉक्टर थे और ये अकेली एक महिला थी। टोटल वहाँ पर 5 लोग थे। अब जो उसके 4 दोस्त थे वो लोग उसके साथ खाना खाने के बाद कुछ देर वहाँ पर बैठते टीवी देखते हैं। उसके बाद जो 4 डॉक्टर थे उसका राउंड अप का टाइम हो गया था, उसको अपने मरीज़ को देखने जाना था, इसके लिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो डॉक्टर थी उसका भी राउंड अप में काफ़ी टाइम था
तो अब ये सोचती है कि कुछ देर के लिए मैं आराम कर लेती हूँ। तो आराम करने के लिए वो अस्पताल के तीसरी मंजिल पर जाती है। तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल होता है, वो सेमिनार हॉल के अंदर जाती है। अंदर वहाँ पर सामने की तरफ कुछ कुर्सियाँ पड़ी होती है, तो कुर्सी पर बैठ कर आराम करने लगती है। तो अब वो जो महिला डॉक्टर जब इस सेमिनार हॉल के अंदर गई थी, उस वक्त रात के 3 बजे होते हैं, और यहाँ पर रात को 2:30 बजे वो जो संजय रॉय है वो पीछे की तरफ अस्पताल के पीछे की तरफ शराब पी रहा होता है। अब रात के 2:30 बजने की वजह से जो मरीज का जो रिलेटिव होता है वो उसको कहता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, अब मैं घर पर जाना चाहता हूँ। तो संजय रॉय उसके लिए एक उबर बाइक बुक करता है और उसको वहाँ पर वो अपने घर पर भेज देता है। उबर बाइक वाला आता है, उसको लेकर वो चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद संजय रॉय जो है अस्पताल के अंदर आता है। अंदर आने के बाद थोड़ी देर के लिए वो यहाँ वहाँ टहलता है, यहीं पर उसको काफ़ी ज़्यादा नींद भी आती है और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी वो महसूस करता है। तो वो अब ऊपर की तरफ जाने लगता है आराम करने के लिए। करीब करीब 3:30 बजे वो तीसरी मंजिल पर आता है। तीसरी मंजिल पर आने के बाद वो वहाँ पर सामने की तरफ जो सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो करीब करीब 40 मिनट के बाद उस हॉल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद करीब 4:37 बजे पर वो इस अस्पताल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद पास में जो पुलिस का बैरिकेड होता है वहाँ पर जाने के बाद वो सो जाता है। अब यहाँ पर ये जो 40 मिनट के लिए इस सेमिनार हॉल के अंदर रहा था और इस सेमिनार हॉल के अंदर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये अब किसी को भी नहीं पता था। इस वीडियो में आगे हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस 40 मिनट के बीच में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। इससे पहले अब सुबह हो जाती है। सुबह होने पर वहाँ पर कुछ कर्मचारी आते हैं। कर्मचारी सेमिनार हॉल के अंदर आने के बाद कुछ आगे उनको कुछ चीज़ दिखाई पड़ती है। वो पास में जाते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है। वहाँ पर एक लेडी की लाश पड़ी हुई होती है। वो बाहर निकलते हैं और सभी लोगों को इसके बारे में बताते हैं। वहाँ पर सारे डॉक्टर्स आते हैं, कुछ स्टाफ वाले आते हैं। आने के बाद उस औरत को वहाँ से उठाकर उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर उससे उसी मृत जाहिर कर देते हैं क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। क्योंकि वहाँ पर उस लेडी को सब लोग जानते हुए होते हैं, सबको पता चलता है कि ये वही जूनियर डॉक्टर है जो कि रात को अभी हमारे साथ 2 बजे तक हमारे पास और खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। वो लोग उसके माँ बाप को कॉल करते हैं। उसके माता पिता को सच नहीं बताया जाता, उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अस्पताल वाले थे वो लोग अपने जो इस कॉलेज का जो नाम है वो ख़राब नहीं करना चाहते थे, उसकी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इस बात को दबाना चाहते थे। तब उसके माँ बाप अस्पताल में आते हैं। आने के बाद कहते हैं हमें हमारी बेटी से मिलना है, हमें दिखाइए वो कहाँ पर है। वो लोग कहते हैं आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठिए, हम थोड़ी देर में आपकी बेटी की जो लाश है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं लेकिन अभी तक वो उनकी बेटी को नहीं दिखाते हैं। 3 घंटे के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा जिद करते हैं। उस टाइम पर उनको उनकी बेटी के पास ले जाया जाता है। जब वो लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी जो बेटी की जो लाश है वो काफ़ी ज़्यादा बदतर हालत में थी। उसके जो है शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे, कुछ आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे, आधे अधूरे कपड़े भी नहीं थे। उसके बाद उसके जो मुंह से खून निकल रहा था, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके जो बॉडी थे उसके सभी पार्ट्स पे कुछ ना कुछ घाव लगे हुए थे। थोड़ी देर में वहाँ पर एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी आती है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि जो लड़की है उसने खुदकुशी नहीं की थी लेकिन इसका मर्डर हुआ है। जब इस बात का उसके माँ बाप को पता चलता है तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर एक याचिका दाखिल करते हैं। वो लोग अपनी माँ अपनी जो बेटी है उसके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो उसके बारे में वो लोग मांग करते हैं वहाँ से। तो वहाँ से पुलिस को खुद बताया जाता है। जब पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो लोग अस्पताल में आते हैं। आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब वहाँ पर उसकी जो बॉडी मिली थी उसके आसपास के एरिया को जब चेक किया जाता है तो उसकी लाश के पास उन लोगों को ब्लूटूथ नेकबैंड मिलता है। जो जो ब्लूटूथ नेकबैंड है उसको वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सबके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है लेकिन किसी के भी फ़ोन के साथ वो कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई भी सबूत नहीं था। तो इसके लिए वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इस वाले हॉल के अंदर कौन आया था। तो यहाँ पर वो लोग रात को 3 बजे से सुबह का जितना भी फुटेज है सारा फुटेज देखना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे उनको वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते जाते दिखते हैं, साथ ही वहाँ पर एक और आदमी भी आता जाता दिखता है जो कि स्टाफ का आदमी नहीं था। ये सभी लोगों को वो लोग अस्पताल के जो स्टाफ है उसको दिखाया जाता है। वो कहते हैं यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो स्टाफ के ही है लेकिन जो एक आदमी है वो स्टाफ का नहीं है। लेकिन वो जो आदमी है वो पास में जो पुलिस का बैरिकेड है वहाँ पर सिविल वॉलंटियर का काम करता है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ कर अपने पास लेकर आते हैं और उसके कुछ पूछताछ करते हैं।
इस टाइम पे जब वो आया हुआ होता है उस टाइम भी अभी वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। उसको जो भी सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब नहीं देता है, घुमा फिरा कर जवाब देता रहता है। इसी वक्त पे एक पुलिस वाला, वो जो हम उसको ब्लूटूथ मिला था उस ब्लूटूथ को इसके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो तुरंत उस फ़ोन के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है और एक सबूत भी मिलता है, और एक जो ब्लूटूथ था वो गवाही भी दे रहा था कि यही आदमी है जो इस वाले हॉल में यहाँ पर मौजूद था। तो अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो बाकी की जो कार्रवाई है वो करती है। अब यहाँ पर इसके जो माँ बाप है वो इसके लिए CBI जांच की मांग करते हैं, साथ ही जो भी इसके जो कलीग थे, जो भी इसके दोस्त थे, इसके साथ जो भी काम कर रहे होते हैं वो भी इसके लिए CBI मांग की जांच की वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बयां कर रहा था, जिससे ये लग रहा था कि इसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो किसी एक आदमी ने नहीं किया है, हो सकता है इसके साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर शामिल हो, तो वो सब कौन है उसकी भी जांच की जाए, उसकी भी यहाँ पर ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस 40 मिनट के अंदर क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो जब ये आदमी उस सेमिनार हॉल के अंदर जब दाखिल होता है तो सामने की तरफ वो इस औरत को देखता है, जो लेडी डॉक्टर सामने की तरफ सो रही है उसको वो देखता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो बहक जाता है, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, साथ ही वो नशे में भी था तो उसके पास हो जाता है। जाने के बाद उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब लेडी डॉक्टर जो है जाग जाती है, जागने के बाद उसका विरोध करती है, जब विरोध करती है तो वो उसका जो सर है वो दीवार के साथ जोर से मारता है। अब क्योंकि जो उसका जो सर है वो दीवार के साथ मारा जाता है तो उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, साथ ही उसने उस टाइम पे चश्मे पहन रखे हुए होते हैं, तो उस चश्मे जो पहन कर रखे हुए होते हैं उस वजह से वो चश्मे भी दीवार के साथ टकराते हैं, वो चश्मे टूट जाते हैं, चश्मे का जो कांच होता है वो उसकी आंखों में लग जाता है, और चश्मे के कांच आंखों में लगने की वजह से उसकी जो आंखें उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर भी आदमी इतने से नहीं रुकता है, जब वो लेडी डॉक्टर और भी ज़्यादा उसका जो विरोध करती है तो वो उसको मुंह पर मुक्के भी मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। इसके बाद वो उसको नीचे की तरफ धकेल देता है, उसके हाथ पर वार करता है, उसके पैर में वार करता है, और उसका जो पेट है उसके ऊपर भी वो वार करता है, साथ ही उसके मुंह पर और हाथ पर वो अपने मुंह से काट लेता है। और ये सारी चीज़ें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई होती है। इसके बाद जब वो महिला जो डॉक्टर है वो बेहोशी की हालत में हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा जख्म हो चुके थे, तो वह बेहोशी की हालत में हो जाती है, तो उस टाइम पर वो अब इसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका यौन शोषण करता है। इसके बाद वो ये चीज़ जो एक बार नहीं करता है वो बार बार लगातार करता रहता है, और इसकी वजह से उसका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब उसका जी भर जाता है तो वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो 4:37 पर उस पास का जो पुलिस का जो बैरिकेट होता है वहाँ पर जाने के बाद सो जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो उसके जो कपड़े उसने जो रात को पहने हुए होते हैं उस कपड़े को वो निकाल देता है, उसको धो लेता है क्योंकि उस पर कुछ खून के चीटे लगे हुए थे, तो उसको धो देता है। उसके बाद वो वहाँ पर सो जाता है। सोने के बाद जब पुलिस वाले उसको वहाँ से लेकर आते हैं तो उस टाइम पर उसको एक और दूसरा टी-शर्ट पहना हुआ होता है। उसके बाद जब उस बैरिकेड की तलाशी ली जाती है तो वहाँ से वो जो धुले हुए कपड़े थे वो भी मिल जाते हैं, और वहाँ पर उसको उसके जूते भी मिलते हैं। उन जूतों पे उस लेडी डॉक्टर के कुछ खून के धब्बे भी वहाँ पर अभी भी लगे हुए थे, तो उन जूतों को भी अब पुलिस अपनी जो हिरासत में ले लेती है, और साथ ही उसके जो कपड़े हैं उसको भी हिरासत में लिया जाता है। और अब आगे की जो जाँच है वो अब CBI कर रही है। अब लोगों का जो मानना है कि सेमिनार में जो सारी चीज़ें बिखरी हुई है, जो लेडी डॉक्टर की जो हालत की गई है वो कभी एक आदमी नहीं कर सकता है, हो सकता है इसके साथ कुछ और लोग भी हो, तो इसके लिए इसका DNA रिपोर्ट भी किया गया है। तो इसके बारे में तो अब आगे जब DNA रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि आखिर ये आदमी अकेला था या तो फिर इसके साथ कुछ और लोग भी थे। जब DNA रिपोर्ट आ जाएगी तो उसका भी सच सामने आ जाएगा। तो ये थी आज की कहानी, मिलेंगे अगले वीडियो में।